सब्सक्राइब कीजिए नुमान टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान तैर और आप देख रहे हैं नुमान टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में ना मैं आपको एंड्रॉयड यूज़र के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की सेटिंग लेकर आया हूँ। तो यार आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जब कोई वेबसाइट वगैरह आप लॉगिन वगैरह करते हैं या कोई भी आप नए एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या कोई भी चीज़ कोई भी वेबसाइट है वो आप ओपन करते हैं तो वो आपसे साइनअप या लॉगिन वगैरह मांगता है। तो आप अपनी जो पर्सनल फेसबुक आईडी होती है, ट्विटर आईडी होती है या आपकी जो गूगल की जो आईडी होती है उससे आप उसको लॉगिन कर लेते हैं। तो बाद में जब आप उसको यूज़ वगैरह करके बाद में आप उसको बातों को ऐसा होता है कि हम उसको नहीं भी इस्तेमाल करते या हम उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लॉगिन वगैरह करके बाद में चेक करके उसको दोबारा से अनइंस्टॉल कर देते हैं तो हमने उस एप्लीकेशन उस वेबसाइट को या उस किसी भी ऐसी चीज़ को किसी भी ऐसी वेबसाइट को हमने अपना जो लॉगिन एक्सेस होता है वो दिया होता है। तो ये चीज़ को आपने लाजमी जो है चेकआउट कर लेना क्योंकि इसकी अगर आप इसको लापरवाही इस चीज़ में करेंगे तो आपकी जो क्या लें कि गूगल आईडी है वो भी हैक हो सकती है, आपकी जो फेसबुक आईडी है वो भी हैक हो सकती है और आपका तमाम डाटा जो है वो लीक वगैरह हो सकता है। तो इस चीज़ को जो है ना वो आपने लाजमी से जो है वो ख्याल रखना है इसका कि आपने किसी भी अगर वेबसाइट पर अगर आपने लॉगिन वगैरह किया है या किसी ऐसी वेबसाइट पर आपने साइनअप वगैरह किया है तो वहाँ से आपने उसको दोबारा से रिमूव कर देना है। तो अब रिमूव करने का जो तरीका है ना वो आपको बताने लगा हूँ। उससे पहले यार वीडियो पैकअप बनने से पहले अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन आकर को लाजमी दबा दिया करें ताकि सर की मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए जल्दी से आपको मैं तरीका बताने लगा, जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ लें और ये चीज़ जो ये आपको जो मैं तरीका बताने लगा उसको जो है वो नोट आउट कर लें। सबसे पहले यार आपने क्या कर लेना है, आपने अपना मोबाइल फ़ोन जो है ले लेना। मोबाइल फ़ोन लेने के बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन की जो सेटिंग्स होगी उसके अंदर आपने चले जाना है। यहाँ से मैं मोबाइल फ़ोन की सेटिंग जो है वो ओपन कर लेता हूँ। मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाके आपने यहाँ पे आके सेटिंग में देखना है कि गूगल जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। आपने यहाँ पे आके अपने गूगल को जो है वो सर्च करना है। अब मेरा जो है वो गूगल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मी अकाउंट के बिल्कुल नीचे। अब इस गूगल के ऊपर जो है वो आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने नीचे की तरफ आ जाना है। अब जैसे आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा सेटिंग्स फॉर गूगल ऐप्स। अब आपने इसके ऊपर जो है वो जस्ट क्लिक कर देना। अब आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पहले नंबर पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कनेक्टेड ऐप्स का, इसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक कर देना है। अब आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से अपनी जो भी आपकी आईडी होगी वो आईडी आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। अब मैंने यहाँ से अपनी आईडी जो है सेलेक्ट कर ली तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये एंड्रॉयड डिवाइस, एंटी थेफ्ट अलार्म, कैनवा, फिंग, माई रमज़ान प्लानर और टिकटॉक, यानी कि ये इन तमाम चीज़ों पर हमने अपनी जो जी मेल की आईडी है उसको एक्सेस जो है वो दिया हुआ है। और ये जो कैनवा, फिंग और ये माई रमज़ान प्लानर जो है ना, हालांकि मैंने इसको मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल भी कर दिया हुआ लेकिन अभी तक मैंने इसको एक्सेस दिया हुआ है। तो आपने जो भी आपका आप जहाँ जो भी एप्लीकेशन थे आप रिमूव करना चाहते हैं उसके ऊपर आपने जस्ट क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपने जस्ट उसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो इस लिस्ट में से जो है वो रिमूव हो गया और हमने इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हमने जो उस एप्लीकेशन को अपनी जो एक्सेस वगैरह दी हुई थी जीमेल आईडी की वो ख़त्म हो गई है। उसके अलावा एक और बहुत ही ज़्यादा कमाल का तरीका है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में सेटिंग में यहाँ पर गूगल नहीं भी आती तो जस्ट आपने यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपने अपनी आईडी जो है सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ से पहले अपनी आईडी जो है चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं अपनी आईडी पर आ जाता हूँ उसके बाद जस्ट इस आईडी के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, आपने इसके ऊपर जो है जस्ट क्लिक कर देना है। अब जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा स्वाइप अप करना है, स्वाइप राइट करना सॉरी। उसके बाद आपने यहाँ पे सिक्योरिटी में चले जाना है। सिक्योरिटी में जैसे आप जाएंगे ना तो आपने यहाँ से स्क्रोल डाउन करना है। स्क्रोल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना वो ये लास्ट पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा लिंक अकाउंट, पासवर्ड मैनेजर और साइन इन विद गूगल। साइन इन विद गूगल आ रहा है, साइन इन विद गूगल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आपने अपना गूगल अकाउंट जो है वो कौन सी वेबसाइट के ऊपर आपने लिंक आउट किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये तीन चार वेबसाइट जो हमें पहले मैंने आपको बताई वही जो है वो कह लें कि ऐप्स वगैरह इसके अंदर आ रहे हैं। तो अगर आप उसको यहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप जस्ट इस यहाँ से जाके इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे और रिमूव एक्सेस को कर देंगे तो यहाँ से ये ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हमारा जो हमने उसको एक्सेस दिया होगा अपना अकाउंट का वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो यार ये चीज़ ना आपने लाजमी अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर अप्लाई कर लेनी है। ये आपके एंड्रॉयड यूज़र के लिए ना बहुत ही ज़्यादा काम की है क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यार मुख्तलिफ वेबसाइट मुख्तलिफ ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करते रहते हैं, डिलीट करते रहते हैं और आप उनको अपना एक्सेस दे के जो है वो भूल जाते हैं और बाद में फिर आप यार कुछ अर्से पास सोचते हैं कि यार मेरा तो फेसबुक हैक हो गया, मेरी तो जीमेल आईडी हैक हो गई। वो आपकी इन गलतियों की वजह से आपकी जीमेल आईडी, आपकी फेसबुक आईडी, इस तरह की कोई भी आपकी जो एक्सेस वगैरह आपने दिया होता है वो चीज़ें वगैरह आपकी हैक हो जाती है। तो बस उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी दबा दिया करें ताकि इस तरह की मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यार मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह ताला अब अगले आने वाली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपको दोस्त मानता है, अल्लाह हाफिज़।
Oh,